हाँ मेरा इंतजार तो होगा, अब भी कुछ एतबार तो होगा। तू खुला छोड़ देगी दरवाजा, पर गलत है ये तेरा अंदाजा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज चलिए मेंसुरेशन हम पढ़ाएंगे। और मेंसुरेशन में त्रिभुज के बारे में मैंने 3 क्लास आपका लिया और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बेसिक से समझाया है, सिखाया है। तो आज हम चलेंगे आयत पर। प्रश्न को तो हम बाद में करेंगे, डरिएगा नहीं, अभी प्रश्न हम बाद में करेंगे, पहले हम उसका बेसिक बात कर लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न भी हम लेके आए हैं आपके लिए, सबसे पहले उस पर हम कुछ बेसिक बात कर लें। वो इसलिए कि भैया आपको फिर आसान एकदम लगने लगे कि भैया ज्योमेट्री हो या मेंसुरेशन हो, सब कुछ आसान है, गणित सीखना बिल्कुल आसान है। आइए सबसे पहले आयत। आयत आयत यानी कि अगर इंग्लिश में इसको कहते तो रेक्टेंगल, RECTANGL, रेक्टेंगल, ठीक है। एकदम मजे में देखिए कैसे आपको हम सिखा देते हैं हंसते हंसते, रेक्टेंगल। तो दोस्तों आयत, आयत में क्या होता है ना, आप जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं तो आज जान लीजिए कि ये चार भुजा है ना। आयत जो है चतुर्भुज के अंतर्गत है, चतुर्भुज ही है आयत। और आयत जो है ना दोस्तों, ये समानांतर चतुर्भुज है। आयत क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। ये समानांतर समानांतर चतुर्भुज है, ध्यान देना, समानांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है, मतलब समानांतर होती है, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, काट नहीं सकती, आमने सामने वाली भुजा। ये भुजा, ये भुजा आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे ही ये बढ़ते चला जाएगा, लेकिन कभी भी इस भुजा से एक दूसरे को कहीं जाके ऐसे तिरछा काट नहीं देगा, है ना। तो ये होता है समानांतर चतुर्भुज का मतलब। अच्छा, समानांतर चतुर्भुज केवल आयत ही नहीं हुआ, समानांतर चतुर्भुज जिसके आमने की आमने सामने की भुजा समानांतर, वो सब समानांतर चतुर्भुज है। ये देख लीजिए, वर्ग को भी आप समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ये वर्ग के भी आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। ये भुजा को आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं काटेगा, क्योंकि ये सीधी रेखा होता है ये, ठीक है ना। चाहे ये आमने सामने की भुजा एक दूसरे को नहीं काट सकता, ये पैरेलल होती है, मतलब समानांतर होती है, ठीक है। तो चाहे ये देख लीजिए, अगर इसको भी हम बोले तो ये भी समानांतर चतुर्भुज है, ये भी समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन अगर इसको कहें तो ये हमारा जो है ना समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है। इसमें क्या है कि इस भुजा को जब आगे बढ़ाएंगे सीधा और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो कहीं काट दिया, यहाँ काट दिया, तो ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में दो भुजा तो समानांतर होती है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटती, लेकिन इस दोनों भुजा को बढ़ाएं तो एक दूसरे को आगे जाकर काट दिया, तो समलंब चतुर्भुज हो गया। ये क्या कहलाया? समलंब, समलंब याद रखिएगा, समलंब चतुर्भुज। तो ये समलंब चतुर्भुज है, और नहीं तो ये सब क्या है, ये सारे क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर। तो आयत भी हमारा क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो हम आयत के थोड़ा सा बेसिक चीज को पढ़ेंगे। दोस्तों आयत में क्या होता है, चारों साइड आपस में बराबर नहीं होता है, इसके आमने सामने के दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर ये ए बी सी डी लिख दिया मैंने, तो ए बी भुजा बराबर होगा, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर, सी डी भुजा के बराबर, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी और सी डी बराबर। उसी तरह ए डी, ए डी भुजा और बी सी भुजा आपस में बराबर होगी, मतलब इसकी लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई इधर की भी होगी, है ना, उतनी लंबाई इधर, इधर वाली जितनी लंबी होगी इधर वाली भी उतनी ही लंबी होगी। ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कोण का तो चर्चा अगर होगा तो ये तो ज्योमेट्री में पढ़ना हमको, लेकिन बेसिक बात है तो इसको भी जान लेना जरूरी है। चारों कोण जो होता है इसका, चारों कोण क्या कहेंगे, चारों कोण कितना का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री भी होता है, प्रत्येक कोण इसमें कितना होता है, 90 डिग्री होता है दोस्तों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है इसका, इस बात को याद रखिएगा।
प्रत्येक को 90 डिग्री होने का मतलब है कि ये सीधी खड़ी होगा तो उस इसके ऊपर में ही पड़ी होगा, चाहे ये पड़ी है तो इस पे ही आके खड़ी है, तब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसा नहीं होगा कि ये तिरछा जा रहा है कि ऐसे, मतलब ये भी ऐसे तिरछा घूम जा रहा है और ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होता है, तो 90 चौका 360 इतना जान गए। अब इसके ये इधर जो होता है इसको लंबाई बोला जाता है, और ऐसे वाला को क्या बोला जाता है, चौड़ाई। लंबाई हमेशा ज्यादा होता है, चौड़ाई हमेशा कम होता है, जो बड़ी भुजा है उसको लंबाई कह दिया गया, ध्यान दीजिएगा। तो क्षेत्रफल जो इसका होता है ना दोस्तों, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा एक बात बताइए, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो केवल इसमें नहीं, इस सिर्फ इसी में नहीं, आप देखिए अगर वर्ग है, गौर करिए, अगर वो वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक साइड की लंबाई बराबर होती है। अगर ये भुजा ए तो ए ए ए, मतलब चारों भुजा आपस में क्या होती है, समान होती है। इसमें भी लंबाई अगुना चौड़ाई कर दीजिए, लंबाई इसका ए और चौड़ाई भी इसका ए, तो ए गुना ए क्या हुआ, ए स्क्वायर। इसलिए हम वर्ग का क्षेत्रफल रटते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा का मतलब यहाँ ए है, ए स्क्वायर। तो इसमें भी क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, उसमें भी लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आयत में दोस्तों, आयत में अगर आप एक कोना कोनी मिला दीजिएगा ना, तो इसको विकर्ण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। अच्छा ये भी विकर्ण कहलाता है दोस्तों, ये भी है विकर्ण, इस कोना से इस कोना को मिला दीजिएगा तो ये भी क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा, ध्यान देना, ये भी विकर्ण है, यानी दो विकर्ण है इसमें, कितने विकर्ण है, दो विकर्ण है। अच्छा ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को यहां समद्विभाजित कर देता है, मतलब इधर जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई इधर भी, और इधर भी जितना उतना इधर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि विकर्ण जो है ना बराबर भाग में बट जाता है यहाँ पर, ये होता है। अच्छा सब टुकड़ा बराबर हो जाएगा इसमें, सब टुकड़ा। अगर इस एक त्रिभुज का भी एरिया कभी आपको दे दे और इस पूरे आयत का पूछे, तो देखो टोटल कितना, एक दो तीन चार, चार गो, ये चारों त्रिभुज आपस में बराबर है। एक त्रिभुज का एरिया निकल गया, उसका चार गुना दे कर दीजिएगा तो पूरे आयत का एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो इसका एक भाग, ये 15 वर्ग मीटर है इसका एरिया, चार से गुना कर दोगे 15 चौके 60 वर्ग मीटर पूरे का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर कोई आयत है, आप जान गए हैं कि ये आयत है, आयत है, तो ये अगर मिला देते हैं तो ये तो क्या कहलाता है भैया, ये विकर्ण कहलाता है, विकर्ण कहलाता है ना, विकर्ण। और ये कोण तो 90 डिग्री ही है ना, तो अब एक बात समझिए, हाँ एक संबंध है कि ये तो लंबाई है और ये तो चौड़ाई है, तो ये विकर्ण जो है दोस्तों, ये विकर्ण, विकर्ण इसको डी से लिखा जाता है, ठीक है। अब चलिए, तो ये जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है, इसको निकालने के लिए आप यहां देखिए 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है, ये तो एक त्रिभुज है ना, ये क्या है, एक त्रिभुज है। और ये कैसा त्रिभुज है दोस्तों, तो ये कैसा त्रिभुज है आप ही बताओ, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक को 90 डिग्री है इसमें, तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। और कर्ण का स्क्वायर जो होता है बाकी दोनों छोटी भुजा लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा हम आपको त्रिभुज में पढ़ा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा दिए हैं। देखिए कोई भी आयत के अंदर अगर कोई विकर्ण है, तो ये विकर्ण, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण हुआ, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण को डी से लिखा जाता है यहाँ इसमें विकर्ण को। अब ये देखिए, ये आपका हो गया चौड़ाई, ये हो गया आपका लंबाई, तो डी स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, ये बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। और अगर डी बराबर निकालना है तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी, मतलब इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर इस आयत की बात करें कि आयत के परिमाप क्या होता है, ध्यान दो, आयत के परिमाप, तो ये L है, ये B है, ये L है, ये B है। आपको परिमाप के लिए हम बता रखे हैं,
कि सभी भुजाओं के लंबाई का योग ही परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप में जोड़िएगा तो इधर वाला एल एक इधर वाला एल दो बार एल हो जाएगा, और जोड़िए एक बार बी इधर एक बार बी इधर दो बार बी हो जाएगा। दो कॉमन ले लीजिएगा तो एल प्लस बी हो जाएगा आपके इसका जवाब। परिमाप इसलिए हम लोग रट लेते हैं टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अच्छा एक बात, परिमाप का जो आधा हो जाएगा, देखिए लंबाई और चौड़ाई का योग का दुगना परिमाप है, तो परिमाप का आधा लंबाई चौड़ाई का योग हो जाएगा ना, है ना सिंपल बात। अब आ जाइए, बहुत सिंपल बात है। अगर मान लीजिए कि कोई आयत का आपको दिया हुआ है कि यह है 8 मीटर, यह है 6 मीटर, तो इसका विकर्ण आपसे पूछ दे तो ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, और कर्ण निकालने के लिए रूट अंडर बस एक आधार का स्क्वायर और फिर लंब का स्क्वायर। बताइए 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, 64 36 होता है कितना 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। बस अगर ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये मीटर ही में आएगा, 10 मीटर हो गया इसके विकर्ण की लंबाई, है ना। तो अगर आपको एक लंबाई भी दे दे और विकर्ण दे दे, चौड़ाई निकाल लीजिएगा, चौड़ाई लंबाई दे देगा तो आप विकर्ण निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आइए हम आते हैं सवाल पर, सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कहता है देखिए, सवाल है एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 भाग है, यहां लिखा हुआ है 3/4 भाग है, 3/4 भाग है। यदि हॉल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो लंबाई चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। सवाल का कहना यह है कि एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 भाग है। कोई आयताकार हॉल होगा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 3/4 भाग है, उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 भाग है, लंबाई जितना भी होगा उसका 3/4, तो इसका 3/4 चौड़ाई होगा, इसका 3/4, यानी ये 3xy कितना हो गया 4, और उसका क्षेत्रफल दिया है 300 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई को और गुना करेंगे चौड़ाई को, यही बात ना, क्षेत्रफल हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल बोला है कि 300 वर्ग मीटर, 3 से इसको काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, x गुना x x स्क्वायर हुआ, ये 4 गुना 100 400 हुआ, मतलब कि x का मान 20 हुआ, कितना 20, क्यों स्क्वायर हटा रूट चढ़ा तो 400 का वर्गमूल 20 हो गया। x हमने क्या लिया था, x ले लिया था लंबाई l, आपसे पूछता है लंबाई चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो, लंबाई चौड़ाई का अंतर ज्ञात करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर यहाँ तो x में से घटाएंगे 3xy 4, तो घटाइएगा 4x में से 3x गया तो 1x/4, और ऊपर 20/4 यानी काट देंगे तो 5, ये हो जाएगा आपके सवाल का जवाब। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत अच्छा बहुत आसान। आइए बढ़िए जरा अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का 4 गुनी है, किसी प्लॉट की लंबाई जो है चौड़ाई की 4 गुनी है। एक खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए है, प्लॉट को लंबाई क्या होगा, प्लॉट की लंबाई क्या होगा ये पूछा है। देखिए किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, और कहता है एक खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, प्लॉट के 1/3 भाग है। एक बात बताओ कि लंबाई जो है चौड़ाई की 4 गुनी है, एक है तो ये 4 है, यही बात है। तो अगर ये 1x है तो ये 4x है, यही बात है। आप अनुपात में x इसमें भी सटा सकते हैं, इसमें भी सटा सकते हैं, अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, x से x कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, कहता है अनुपात में जब भी लिखना हो तो 4x 1x लिख लीजिए। एक खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है और प्लॉट के 1/3 भाग को घेरे हुए है, तो प्लॉट की लंबाई क्या है। अच्छा ये तो दिया है प्लॉट के, नहीं ये किसका दिया है, प्लॉट का दिया है, ये प्लॉट के लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है, तो हमको प्लॉट का क्षेत्रफल रहेगा पता तब न क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो प्लॉट का जो क्षेत्रफल होगा, कहता है एक खेल का मैदान जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए है, प्लॉट का पी से मान लिए, प्लॉट का 1/3 भाग घेरा हुआ है जो 1200 वर्ग मीटर है, यानी कि प्लॉट का 1/3 भाग 1200 मीटर है,
तो प्लॉट कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 3600 वर्ग मीटर का। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको गुना कर देते हैं, 4x और 1x गुना करेंगे। अगर गुना करिएगा 4x इंटू 1x तो इतना हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये हो जाएगा उस प्लॉट का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि प्लॉट के लंबाई और चौड़ाई को हमने गुना कर दिया है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 3600। अब 4 से काट देंगे, 4 × 3600 900 वर्ग में, तो x² = 900, तो x का मान 30। अब x का मान 30 है तो प्लॉट की लंबाई पूछा है, प्लॉट की लंबाई यहाँ वाला निकालना है, x का मान 30, 30 × 4 = 120। क्लियर है? 120 आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों। अगला सवाल आपका यह है, एक आयताकार विद्यालय परिक्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। उस परिक्षेत्र में एक खेल का मैदान भी है जिसका मान 252 वर्ग मीटर है, और जो पूरे परिक्षेत्र का 1/4 है। परिक्षेत्र की लंबाई क्या है? एक आयताकार विद्यालय के परिक्षेत्र मतलब पूरा जो कैंपस है ना, पूरा कैंपस, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। पूरे कैंपस का लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों? 7:3 है। अब कहते हैं, अच्छा ऐसे सवाल में बच्चे क्या करते हैं, ये समझते खेल के मैदान का है 7:3, नहीं, पूरे परिक्षेत्र पूरे कैंपस का आपको दिया हुआ है। और खेल का मैदान का आगे अब चर्चा हो रहा है कि उस परिक्षेत्र में एक खेल का मैदान भी है जिसका मान 252 वर्ग मीटर है, जो पूरे परिक्षेत्र का 1/4 है। मतलब पूरे परिक्षेत्र का टोटल का 1/4 है ये खेल का मैदान, और खेल का मैदान कितना है? 252 वर्ग मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 से गुना हो गया तो 4 × 252 हो जाएगा टोटल। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि बाद में काटना ही है। अब देखो इसमें क्या करो, x हटा लो, जब भी लंबाई चौड़ाई का रेशियो है तो x हटा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है क्या, परिक्षेत्र की लंबाई क्या होगा। टोटल परिक्षेत्र 4 × 252 है वर्ग मीटर, यहां निकालते हैं उसका एरिया, तो कितना हो जाएगा? 21 x² बराबर कितना? 4 × 252। ठीक है दोस्तों, अब 21 से काटते हैं इसको, 21 × 21 शेष बचा 4, 21 × 2 = 42, तो 12 × 4 = 48। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48, या यूँ करें इसको भी 4 × 3 लिख सकते हैं, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, जैसे सॉरी ऐसे लिख सकते हैं 12 × 48, कैसे भी लिख लो आप 12 × 48। ये x² बराबर कितना हो गया, 12 × 48 हुआ, तो x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा आ जाएगा, चूँकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 16 × 48 4√3 आ जाएगा, 4√3 आ गया, तो x का मान आ गया। हमें क्या पूछता है, हमें पूछता है परिक्षेत्र की लंबाई, लंबाई है 7x का मान निकालना है, 1x का मान है 4√3, तो 7x का मान 7/28√3। ये आपके इस सवाल का जवाब हो गया, तो ऑप्शन डी में होगा 28√3, ये है ऑप्शन डी। ठीक है, आइए अगला सवाल। अगला है क्वेश्चन, क्या कहता है, एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई का 5 गुनी है। उस प्लॉट में एक खेल का मैदान भी है जिसका माप 245 वर्ग मीटर है, जो पूरे प्लॉट का आधा है, तो प्लॉट की लंबाई बन जाएगा ना। अगर खेल का मैदान 245 है तब पूरा मैदान का आधा है, इसीलिए पूरा मैदान इसका दुगना हो जाएगा, 490 वर्ग मीटर हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हो उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, चौड़ाई की लंबाई जो है 5 गुनी है, एक्स लगा दोगे गुना करोगे तो 5x² हो जाएगा, उधर 490 हो जाएगा। आप 5 से काट सकते हो, 5 × 45 5 × 48 5 × 45 शेष बचा कितना, 4 5 × 48 x² = 98, तो ये हो गया कितना, 49 × 98, तो x बराबर हो गया 7√2। अब सवाल क्या कहता है, पूछता है प्लॉट की लंबाई, लंबाई यहाँ है तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा और √2 हो जाएगा, 35√2 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब। आइए दोस्तों, पहला क्लास है, थोड़ा सा हम हल्के हल्के क्वेश्चन को लेके आए हैं, और अगली वीडियो में जब फिर इसका लेवल बढ़ा देंगे। कहता है कि 12 मीटर × 8 मीटर माप के फर्श पर
एक दरी बिछाई जानी है, दरी की चौड़ाई 3 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होनी चाहिए, तो दरी की लंबाई क्या होनी चाहिए ये लिखना चाहिए। हाँ, दरी की लंबाई, चौड़ाई दिया है तो लंबाई निकलना है। एक फर्श पर आपको दरी बिछाना है, तो रियल बात है, सीधा बात है कि जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही दरी का क्षेत्रफल होना चाहिए। हाँ, अगर दरी के चौड़ाई कम है तो काट काट के बिछाना होगा, यही बात है, कोई बात नहीं है। मतलब क्या होगा कि दरी का क्षेत्रफल, दरी का क्षेत्रफल अब बराबर होगा उस फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, यही बात ना। तो सुनिए, दरी का क्षेत्रफल कितना, तो दरी का लंबाई नहीं पता, लंबाई चौड़ाई है 3 मीटर, लंबाई निकालना है, लंबाई गुना चौड़ाई दरी का क्षेत्रफल, और फर्श है 12 × 8 का, 3 × 12 = 8 × 32, इसकी लंबाई 32 होगा, तब इसको काट के हम लोग उसमें फर्श पर बैठा सकते हैं। जितना बड़ा, जितना एरिया का फर्श है उतना ही एरिया का हमें दरी भी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयताकार मैदान के परिमाप है 480, एक बात बताओ दोस्तों, और लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 5:3, ठीक है, तो एक बात बताइए कि लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है, हम इसमें तो एक सटा ही लेंगे, और परिमाप है 480, परिमाप कितना है 480, तो लंबाई चौड़ाई का योग कितना होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना होगा, इसका आधा 240, इसे भी लिख सकते हैं, और लीजिए लंबाई चौड़ाई का योग यहाँ भी निकाल लीजिए, लंबाई चौड़ाई का योग 5 × 3 = 8x बराबर कितना हुआ 240 हुआ, नहीं तो 8 × 3 = 24, एक्स का मान कितना हो गया 30, एक्स का मान 30 हो गया। पूछता है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक बात बताइए, क्षेत्रफल के लिए तो गुना करना होगा लंबाई गुने चौड़ाई ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई करिए, 5 × 3 = 15 ही हो गया, गुना एक्स गुना एक्स हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर, तो ये 15 × 30 × 30, 30 × 30 = 900 में 15 से गुना कर दीजिए, 900 में गुना कर दीजिए 15 से, 15 × 35 = 135, 20 और है ना, 15 × 35 = 13,500 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल आ जाइए, अगला सवाल, अरे भाई देखो सवाल है, आधा ढक गया, चलो उसको नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। कहता है एक आयत की परिमिति तथा चौड़ाई का अनुपात 5:1 है, यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। एक आयत की परिमिति तथा चौड़ाई का अनुपात 5:1 है, एक आयत के परिमाप और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। दोस्तों परिमाप, देखो परिमाप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परिमाप और चौड़ाई, इसका अनुपात 5:1 है। एक बात बताओ, किसी भी आयत में दोस्तों सिंपल बात सोचो, किसी भी आयत में अगर चौड़ाई इधर एक है तो इधर भी चौड़ाई एक होगा, एक एक दो हो गया, एक एक कितना हो गया दो हो गया। अब जब ये दो हो गया, टोटल परिमाप 5 है, एक का एक दो, चूंकि चौड़ाई एक जगह एक दिया है तो चौड़ाई 2 बार होगा, तो 2 हो गया, 5 में से 2 गया 3, अब बचा 1.5 इधर और 1.5 इधर, ठीक है, ये बात है। कहता है आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। एक बात बताइए, मतलब ये हो गया कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 1.5 गुना हो गया, लंबाई अगर 1.5 है तब चौड़ाई कितना है 1 है, यही पता है, चौड़ाई 1 लंबाई 1.5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0, काट सकते हो, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 1.5 गुना है, 3 × 2 = 3, ऐसे लिख सकते हो। अरे क्या है, चौड़ाई का 1.5 गुने ना लंबाई है, 1.5 गुना मतलब 3/2 होता है, तो ये हो गया। अब इसको गुना कर देते हैं एक सटा के, क्यों, क्योंकि दिया है क्षेत्रफल 216, तो 3 × 2 = 6, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 216, 6 से काट दिया तो 36 बार में, यानी अब निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स का मान 6 हो गया, एक्स का मान 6 हो गया, तो पूछता है आयत का, आयत की लंबाई कितनी है, एक्स का मान 6 × 18 = 18 सेंटीमीटर हो जाएगा,
ऑप्शन बी आपका जवाब। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, हम अगला वीडियो लेकर आते हैं। जैसे हम त्रिभुज का 3 वीडियो लेकर आए हैं, इसी तरीके से इसकी भी वीडियो अगली बनाते हैं हम, और जहाँ तक चलेगा वहाँ तक हम आपको लेके चलेंगे। ठीक है, बने रहिएगा। अगर इस वीडियो को आप अच्छा प्यार देंगे तो हम अगली वीडियो फिर लेकर इसी पर आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।